रुक करते हैं प्रदेश की ओर। जिला बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले पंचायत मोर सिंह की कांग्रेस के समय में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांग्रेस के समय में मंजूर हुआ था। ये स्वास्थ्य केंद्र 13 लाख रुपए की राशि से बनाया जाना था। पूर्व विधायक पंपर ठाकुर ने सदर विधायक पर जानबूझ से कार्यालय का नेट का आरोप लगाया। उन्होंने इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य रुकवा दिया है, जिसके चलते सदर विधायक चाहते है की इसका शिलान्यास गुना किया जाए और जो इस पर पट्टिका लगी है उसे भी बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसके कारण वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। जिला बिलासपुर के अंतर्गत आने वाली पंचायत मोर सिंह की कांग्रेस के समय में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांग्रेस के समय में मंजूर हुआ था। ये स्वास्थ्य केंद्र 13 लाख रुपए की राशि से बनाया जाना था। पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर ने सदर विधायक पर जानबूझ से कार्यालय का नेट का आरोप लगाया है। उन्होंने इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य रुकवा दिया है, जिसके चलते सदर विधायक चाहते हैं कि इसका शिलान्यास गुना किया जाए। जो इस पर पट्टिका लगाई गई है उसे भी बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके कारण गांव के सारे लोग परेशान हो रहे हैं। भाजपा के समय में इस पंचायत में एक भी रुपए का कार्य नहीं किया गया था। कसहोला से लिंगड़ी के लिए कुल किस्सा प्रीति की गई थी, लेकिन ये पुल 1.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर पीडब्ल्यू विभाग के पास जमा पड़ी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस पुल का शिलान्यास किया था। एमएलए के इशारे पर शिलान्यास पट्टिका तोड़ी गई, पुल का कार्य जानबूझकर रोक दिया गया है। मटियाल पुल तथा कसहोल पुल एक ही समय में 2017 में उसको मंजूरी मिली थी, परंतु मटियाल पुल बनकर तैयार हो गया है। कसहोल लेगड़ी का कार्य अभी रोक दिया गया है। अभी तक लगभग सरकार को 2 साल की अवधि पूरी होने जा रही है, लेकिन इस नकारी सरकार ने केवल वीरभद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई नया कार्य किया गया है। यहां तक कि चपरासी को भी अपने बताकर लोगों से श्रेय ले रहे हैं और सदर विधायक सुभाष ठाकुर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। खड पर री फतूही पुल 2017 में बन गया है। एमएलए ने पटका को भी तोड़ दिया है। सिधोली सिंचाई योजना, मिया मदला सिंचाई योजना, हरनोज सिंचाई योजना, सिहड़ा पेयजल योजनाओं, बुपरनाल सिंचाई योजना, जितने भी कार्य कांग्रेस के समय में हुए हैं, कांग्रेस विधायक उन पत्रिकाओं को उतरवाकर नई पट्टिका लगाने में लगे हुए हैं। ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कार्य भाजपा के समय में हुआ है, जिसका विज्ञापन उपायुक्त को सौंपा जाएगा। कार्य कुछ शीघ्र ही शुरू किया जाए तथा पुरानी पट्टिकाओं को लगाया जाए। जिन पट्टिकाओं को तोड़ा गया था उन पट्टिकाओं को दोबारा साबित किया जाए, जिसके लिए पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर ने उपयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और कार्यालय का घेराव किया। जो कोल डैम विस्थापितों का जो 1% हिस्सा जो 20 और 25 हजार रुपए के करीब बनता है, जो हर विस्थापित को दिया जाएगा, वो 2017 से 84 कांग्रेस सरकार ने जारी की है। उपायुक्त कार्यालय में उस राशि के ऊपर जो है उपायुक्त बैठे हैं, वो राशि उनको जारी नहीं की जा रही है। इसी प्रकार सदर चुनाव क्षेत्र के अंदर मैंने 1 करोड़ रुपये की स्कीमें मंजूर की हैं, उन स्कीमों का शिलान्यास नहीं किया जा रहा है। और क्योंकि 2 साल तक उनको इसलिए रोका गया है ताकि ये दर्शाया जाए कि ये स्कीमें कांग्रेस ने मंजूर ही नहीं की। अब हम आज हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि हमने जोड़ पड़ाखी मसौर को 1 करोड़ 68 लाख रुपये दिया पेयजल के लिए, 1 करोड़ 43 लाख हमने रोहिण को दिया, 1 करोड़ 25 लाख हमने मल्यावर को दिया, 70 लाख हमने गहरा बलचरौनी को दिया, टीरा को हमने 39 लाख रुपए दिया और 22 करोड़ रुपए जो हमने बिलासपुर की सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए नए सिरे से सीवरेज डालने के लिए दिया था, जिसकी एनओसी भी बीबीएमबी से आ चुकी थी, वो पैसा इस नालायक सरकार ने वापिस कर दिया, लैप्स हो गया पैसा। वो एमएलए जो है वो कुंभकर्ण के नींद सोया हुआ है। और 1 करोड़ रुपए मैंने बिलासपुर शहर में अलीखंड से पानी उठा करके शहर को पानी देने के लिए मंजूर किया है, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारे मांगे हैं, 4 लेन का काम बंद पड़ा है। भाखड़ा विस्थापितों को बंबर ठाकुर यदि कोल डैम में 1% हिस्सा कोल डैम के विस्थापितों को दे सकता है, कोल डैम के विस्थापितों को 100 यूनिट बिजली मुक्त कराई जा सकती है, तो क्या देश में बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी और बिलासपुर के तीनों विधायक और अनुराग ठाकुर जी क्या भाखड़ा विस्थापितों को 100 यूनिट बिजली मुक्त नहीं करा सकते? मैं ये कहना चाहूँगा कि 1% हिस्से की जो राशि जो वीरभद्र ने जारी करी है, जो वीरभद्र की सरकार ने कांग्रेस की सरकार ने विस्थापितों के लिए जारी करी है, उसको तुरंत जारी करें। जब तक ADM DC बिलासपुर जो है उस राशि को विस्थापितों को नहीं देता, बंबर ठाकुर यहाँ से नहीं उठेगा। मैं लोगों से अपील करूँगा कि
इतनी भारी जनता यहाँ पे आई आई अपने अपने घरों को जाए, लेकिन भंबर ठाकुर यहाँ पे बैठा रहेगा। मुझे आप गिरफ्तार करो, जेल में ले जाओ, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक विस्थापितों की राशि जारी नहीं होगी।